अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का सारा दिन जो है बस ये मैं बच्चों के साथ लगी रही कि हमारे एरिया में जो है, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि काउज़ वगैरह आई हुई थी काफ़ी, तो जिन लोगों ने काउ लिए ना, उन लोगों ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा बकरे वगैरह भी लिए थे, दुम्बा बकरा ये वो। तो वो अब मेरे बच्चों को शौक़ हो रहा था कि मैं जाके देखूँ कि लाइक हमें लेके जाएँ और हमें जाके दिखाएँ। हालांकि ये मेरी स्ट्रीट से काफ़ी दूर है, लाइक 5 मिनट की 10 मिनट की वॉक के ऊपर है। लाइक मेरी अगर एक स्ट्रीट है तो अगली स्ट्रीट पे है, लेकिन ये है कि बच्चों को ज़रा शौक होता है। और कहने का मकसद है कि मुझे ख़ुद भी ये चीज़ें बहुत पसंद है। तो खैर बच्चों के साथ लग रही है, और ये मेरे पर कोई पटाखे लेके दिए थे, वो जो ऐसे थ्रो करो तो बचते हैं, तो वो पटाखे इसको लेके दिए थे। थोड़ा सा इसने खेला, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा वाली थी ना कि बिल्कुल खड़ा होना पॉसिबल नहीं था वहाँ पर। लाइक मैंने 10-15 मिनट ही बस इन लोगों को खेलने दिया, और मैंने कहा चलो बस अब चलें घर, क्योंकि ऑलमोस्ट 44-45 टेम्परेचर था इस टाइम पे। और इस टाइम पे टाइम भी क्या हो रहा था, ऑलमोस्ट 7 बजने वाले थे तकरीबन, कि लाइक मैं इतनी लेट गई हूँ। वरना ये था ना, पिछले दिनों में जब ये काउज आई हुई थी तो मैं ऑलमोस्ट 6-6:30 बजे चली जाती थी, तो ये होता था कि चलो लाइक मतलब इस काबिल होता था कि आप खड़े हो सकते हो। लेकिन अब तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, और पता है सुनने में आ रहा है कितने ज़्यादा जानवर बेचारे मर रहे हैं, बैड़े बकरे, वो मतलब गर्मी की वजह से। तो बस वो पता नहीं बेचारे जो है वो, अब जैसे इन लोगों ने टेंट सा बनाया हुआ है, तो ये अच्छी बात है कि छाँव में लाइक उनको नीचे रखा हुआ है कि उनके ऊपर डायरेक्ट धूप मत आए। तो बस आप लोग भी अगर लें कुर्बानी तो बहुत ध्यान रखें, बहुत ख्याल रखें कि उनको धूप से बचाएं, उनको गर्मी से बचाएं। और आजकल बड़ा मैं देख रही हूँ टिकटॉक के ऊपर आगे पीछे बड़ा ट्रेंड आया हुआ है कि रूह अफ़ज़ा पानी के अंदर मिला के दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। एक नई सी चीज़ है कि आप जो है जब अपने बैड़े बकरे को जिसको भी पानी पिलाएं तो उसमें थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल दें, कि ताकि वो थोड़ा सा मीठा मीठा सा हो जाए। टेस्ट होता है ना, थोड़ी सी उनके अंदर जो है वो पावर जो है वो रहे, लाइक वो लो फील ना करें, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हम इंसान इतने लो फील करते हैं तो जानवर बेचारे तो फिर जानवर हैं। तो खैर ये मेरी बेटी खूब इंजॉय कर रही। खैर अब ऑलमोस्ट अजान का भी टाइम होने वाला था, मगरिब का। अब आपको वीडियो में देख के ऐसे लग रहा होगा कि नहीं जी ये लाइक कोई दिन का टाइम है या कोई दोपहर का टाइम है, लेकिन नहीं, ये ऑलमोस्ट 7:10-15 हो चुके थे। और आपको पता है 7:15-20 में मगरिब की अजान शुरू हो जाती है। तो खैर बस इन लोगों को जो है फिर लेके गई अंदर, और इन लोगों को जाके चाय वगैरह पिलाई, कुछ खाया पिया, नमाज़ वगैरह पढ़ी, रात का खाना शाना खाया, फिर मैंने पढ़ी इशा की नमाज़। इशा की नमाज़ जो है वो आजकल थोड़ी सी लेट हो जाती है, क्योंकि 9:30 बजे अजान होती है, तो उस टाइम पे हमारा टाइम होता है खाने का, रात के डिनर का टाइम होता है। तो फिर उस टाइम पे ये होता है कि लाइक थोड़ी सी लेट हो जाती है। खैर नमाज़ वगैरह पढ़ी, और रात को सोने से पहले वाला स्नैक तो मेरा बहुत ज़रूरी होता है, लाजमी होता है। खैर ये थी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।